नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर स्थित धामपुर की, जहां धामपुर के प्राचीन सिद्धपीठ बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। नगर के महंत डॉक्टर अमित गिरी द्वारा सिंदूरी चोला चढ़ाया गया, साथ ही भक्तों द्वारा भी सिंदूरी चोला चढ़ाकर भगवान जी का भव्य श्रृंगार किया गया। मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ व भजन कीर्तन किया गया। सिंदूरी चोला डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज, हरीश अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, राजकुमार वर्मा, राकेश वर्मा, जतिन गिरी, नितिन चौहान आदि भक्तों ने चढ़ाया। हरीश अग्रवाल के परिवार द्वारा 51 किलो के लड्डू के प्रसाद का भोग हनुमान जी को लगाया गया। भक्तों को प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर मंदिर में संध्या चौधरी, पूनम गिरी, आदित्य आकाश, मीरा देवी, डॉक्टर राजेंद्र चौधरी, गोपाल सैनी, स्नेहा गिरी, विशाल वर्मा, शुभम जोशी सहित भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं धामपुर के मोहल्ला साहूवान में श्री बजरंग भक्ति मंडल द्वारा महंत अरुण कुमार उपाध्याय के निवास पर हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। साथ ही विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कालियावाला मंदिर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।